पटना के गायघाट स्थित श्री चैतन्य मंदिर मठ के जमीन पर भू माफियाओं की पहले से ही नजर टिकी हुई है। इस मठ के जमीन को लेकर कई तरह के विवाद लगातार चलते आ रहे हैं। मठ के सेवायत रवि गोस्वामी का कहना है कि घर का भेदी लंका ढाए। आज हमारे घर के एक सदस्य गौरव कुमार गोस्वामी के कारण बाहर के कई दबंग और भू माफिया जैसे लोग हमारे इस धरोहर को लूटना चाहते हैं। रवि गोस्वामी ने साफ कहा कि 1960 की डिग्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मठ सभी लोगों के सम्मत अधिकार में रहेगा। इस जमीन को कभी बेचा नहीं जा सकता। जो इस मठ के सेवायत रहेंगे उनको इस जमीन से जो भी उपार्जन होगा भगवत अर्पण करने के उपरांत स्वयं के लिए उपयोग में ला सकते हैं। रवि गोस्वामी ने साफ कहा है कि उनके ही परिवार के गौरव कुमार गोस्वामी पिछले कई सालों से इस जमीन को बेचना चाहते हैं। इस जमीन की खरीद बिक्री में कई लोग शामिल हैं, जिसमें धीरेंद्र कुमार, विपिन सिंह और संतोष कुमार के द्वारा जमीन का एग्रीमेंट भी किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस मठ के जमीन को कभी बेचा नहीं जा सकता। रवि गोस्वामी ने बताया कि बीती रात्रि एक बार फिर गौरव कुमार गोस्वामी अपने 10-12 लोगों के साथ हमारे मठ की जमीन को कब्जा करने के नियत से घेराबंदी करने के लिए ईंट और सीमेंट बालू के साथ साथ कई मिस्त्री और मजदूर को रात्रि में काम पर लगाने की कोशिश की। जब हम रोकने गए तो हमें धमकी दी कि इसे उठाकर उल्टा टांग कर मारो। इसके बाद हमने पुलिस को फोन किया तो मौके पर पुलिस पहुंची, जिसे देखकर ये सभी लोग वहां से फरार हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है, इस मठ की जमीन के कारण नहीं, हमारे परिवार के ऊपर कोई बड़ा संकट ना आ जाए। इसके लिए मैं और मेरा पूरा परिवार कई आला अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं, पर अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। हालत ये है कि ये लोग जमीन बेचने के चक्कर में और इसे कब्जा करने के चक्कर में आए दिन अपराध चरित्र के लोगों को जमा करते हैं और मेरे पूरे खानदान को समाप्त करने की धमकी देते हैं। ये रात में तकरीबन 6 से 7 के बीच में गौरव गोस्वामी 10-12 जने को लेकर के आए और पहले तो बालू वगैरह गिरवा रहे थे, फिर ईंटा लेके आए, ईंटा लेके आके फिर चाह के हम पीछे से उधर से रोड साइड से घेर करके अपना हम मकान तोड़ेंगे। आके जबरदस्ती वहाँ घेराबंदी बनाने के लिए करने लगे। फिर हम लोग घर के परिवार वाले रोके तो बोले कि तुमको जहाँ जाना है जाना है। हमारे चाचा ये गए थे, उनको बोले कि भाई कहीं फोन लगा के बोले कि भाई इनको पकड़ के ले जाओ, रात में उल्टा करके टांगोगे तब जाके इन लोग सही होंगे। कौन बोले? गौरव गोस्वामी। वो कौन है? वो हमारे मतलब चचेरे दादा के लड़के लगे। दिक्कत क्या है? वो चाह रहे हैं कि हम मंदिर की जमीन को बेच के भागे यहाँ से। क्यों? जाने क्या उनको पैसा का लोभ है क्या है, अपना जो भी रहे। तो बाबा, तो मंदिर बेचने का तो शुरू से ही फरमान है कि इस मंदिर का बेचा नहीं जा सकता है। नहीं, 1960 के डिग्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सब लोग के सम्मिलित अधिकार में रहेगा और इससे जो भी उपार्जन होगा भगवत अर्पण कर अपने स्वयं में उपयोग ला सकेंगे। लेकिन वो अपना इसका वो करते हैं कि भाई मेरे जब हम मेरा अधिकार है तो हम इसको बेचे चाहे कुछ करें। तो प्रशासन को क्या खबर किया? प्रशासन को हमने खबर किया, 112 पर आया, 112 पे खबर किया, 112 आया, उसके बाद फिर थाना खोला, फोन लगाया, सीनियर एसपी साहब और एएसपी साहब को फ़ोन किया, तब फिर थाना आया, जब बस खाली सबको हटा के फिर चला गया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं किया। क्यों क्यों नहीं कर दी थाना? प्रशासन तो पहले से ही पिछले साल भी इसी समय नवंबर दिसंबर के समय तोड़फोड़ करने के लिए आए थे, उस समय भी जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया था ना, आज तक कोई नहीं कार्रवाई की है। उनको 3-3, 4-4 बार लिख करके दिया गया है थाना प्रभारी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कारण क्या नहीं करने का कार्रवाई? थाना प्रभारी उनसे मिली भगत नहीं, इसका तो स्पष्ट कारण यही ना समझ में आता है कि थाना प्रभारी उनसे मिली भगत नहीं, इसे गौरव गोस्वामी से। गौरव गोस्वामी ने हो सकता उन्हें भी कुछ लोभ दिया हो। अच्छा, इस गौरव गोस्वामी के साथ साथ कई और लोगों का भी नाम आता है कि? गौरव गोस्वामी के साथ में एक धर्मेंद्र करके हैं जो बिहार पुलिस से जुड़े हुए हैं, और एक विपिन सिंह करके हैं, और एक संतोष कुमार करके हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग पार्टनर हैं जो कि गौरव गोस्वामी से एग्रीमेंट किए हैं। संतोष कुमार अपनी पत्नी निधि निशा कुमारी के नाम से अपना जमीन का एग्रीमेंट करवाए हैं और वही लोग चाह रहे हैं कि उसको फिर बेच के हम कमाई करेंगे। अपना हिस्सा? यहाँ तो हिस्सा की बात ही नहीं, जब सम्मिलित अधिकार में रहना है तो अपना हिस्सा हुआ कहाँ से? तो टोटल की टोटल प्रॉपर्टी मंदिर की हुई, ये हिस्सा ना मेरा हुआ ना उनका हुआ ना किसी का नहीं हुआ। आप क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि ये मंदिर की प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहे और डेवलपमेंट हो मंदिर का, मंदिर का विकास हो और उसी से फिर जो उपार्जन हो सारे परिवार का खर्चा चले, फिर मंदिर का और यहाँ का अपना खर्चा चले। अब क्या आगे करेंगे आप? अब नहीं कहीं सुनवाई होगा तो फिर हमारे पास में क्या है? फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, आंदोलन नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। फिर रास्ता तो यही ना बच रहा है कि जब जान माल पे ऐसे भी खतरा है तो ऐसे भी फिर करो कि कम से कम प्रशासन की नींद तो खुले। प्रधानमंत्री वगैरह सब जगह लिख करके दिया, यहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दिया जाता है कि मामला सोल्व हो गया। पूरा परिवार डर और
साय में लोग, पूरा परिवार हम लोग डर साय में जी रहे हैं। रात दिन हमेशा वो रहता है, रात में भी चैन नहीं है, दिन में भी चैन नहीं है। और हम लोग के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई है, पीछे से इधर क्रिमिनल लोग हैं और आगे कहीं करते हैं थाना प्रभारी वगैरह का पता वो करते हैं तो थाना का डर है कि थाना तुम्हें उठा के लेके बंद कर देंगे। मतलब पुलिस वाले बदमाशी करने वाले हैं वो लोग प्रोटेक्टेड है, और जो हम लोग यहाँ का सेफ गार्ड कर रहे हैं वो जो है खतरे में है कि पुलिस हम ही को बंद करेगी। हम कितने लोग रह रहे हैं? हम लोग सब मिला करके अभी 13-14 जने हैं। सब परिवार यहाँ? सब परिवार यहाँ। सभी परिवार डर के साए में? सारे के सारे परिवार डर के साए में, औरत से लेके हर कोई भी सुरक्षित नहीं है। पिछले नवंबर में औरत के साथ धक्का मुक्की छेड़खानी हुई थी, उसका भी केस आज तक दर्ज नहीं किया। कल रात में क्या हुआ? कल रात में जबरदस्ती आके यहाँ मतलब घेराबंदी करके तोड़ना चाह रहे थे मकान। गौरव गोस्वामी उनके साथ में 8-10 जने थे, साथ में मजदूर वगैरह लेकर के आए थे। मौके वारदात पे गौरव गोस्वामी मौजूद थे? जी हाँ मौजूद थे, उस समय खुद अपने डायरेक्शन में सामने करवा रहे थे सारा काम। वो फिर पुलिस आई तो वो लोग सामान वामान छोड़ कर भाग खड़े। यहाँ पुलिस जो है गौरव गोस्वामी, गौर कुमार गोस्वामी के लड़का गौरव गोस्वामी जो है बाउंड्री गिरवा के तो मतलब ईंटा गिरवा के बालू 10-15 लेबर को बुला के ईंटा गिरवा के बाउंड्री करवा रहे थे। ये जो ईंटा गिराया हुआ है वो? हाँ जी हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर प्रशासन शासन आया, 112 नंबर आप लोग पुलिस को बुलाए? जी जी। और फिर जो है फिर थाना भी आया 112 के बाद, तो वो लोग बोले कि सब काम रोका जाए। अभी हम बोले कि हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, केस चल रहा है, और यहाँ लोअर कोर्ट में भी जो है केस चल रहा है, और दोनों केस चलते कि आवर में आप कैसे उठा सकते हैं। तो कुछ लोग जो उनके साथ थे वो बोले कि केस चलते हुए में भी आपका कागज़ पे नाम है? हमका कि नहीं है, हम यहाँ के नाती हैं। और यहाँ की स्थिति ये है कि आप जमीन मंदिर है टोटल इंटायर, उस समय नित्यानंद का कानूनगो आए थे गवर्नर, ये पुल में जो जा रहा था पूरा मंदिर, ठीक है, अंदर जो आंगन है मंदिर का वहाँ से ही पाया जाता है। तो नित्यानंद कानूनगो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, उनको बुलाया गया और उनको तो उन्होंने कहा कि पुल टेढ़ा किया जाए। तो घाट किनारे से जो है गंगा का घाट जो किनारा है वहाँ से धीरे धीरे पश्चिम की ओर पुल जाना शुरू हुआ। और ये है बुजुर्गों का व्यवस्था बनाई हुई कि यहाँ आप लोग रहिए, सेवा कीजिए, ठाकुर जी की पूजा उजा उसकी व्यवस्था कीजिए भोग राग का, और आप लोग रहिए। आप लोग बेच नहीं सकते, ये इंटायर मंदिर की संपत्ति एक ही छाती है ना, एक ही पूरा प्लॉट। मतलब एक समय इस पुल को साइड कर दिया गया था। हाँ जी, को बचाने हाँ जी, आज मंदिर का अस्तित्व खतरा में नजर आ रहा है। हाँ जी, और लोग बेचना चाह रहे हैं। गौरव 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 गोस्वामी गौर कुमार कुमार गोस्वामी के लड़का जो है वो बेचना चाह रहे हैं। और कीर्ति गोस्वामी है उनके मतलब यहाँ के दमाद हुए उमा शंकर पाटिल, वो भी जो है चाह रहे हैं कि बेच बात यहाँ से निकल। रात में घेराबंदी हो रहा था तो यहाँ पे गौर गोस्वामी थे, यहाँ उनके लड़का थे, उनका लड़का हाँ गौरव गोस्वामी, और उनके साथ बुलाए हुए आदमी और गुंडे लोग आए हुए। हाँ जो भी है उनके साथ जो परचेजर थे इस टाइप के गुंडे जो भी रहे वो भी आए। लगभग कितने लोग आए हुए थे? 5-6 आदमी थे सही इधर से, और 10-15 लेबर थे, और साइड में कुछ रहे हों। रात का वक्त था तो हम लोग को नहीं मालूम, पुल का है भाई फाका है, लोग आम रास्ता है, लोग किधर भी आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। इतना कष्ट झेल रहे हैं फिर भी यहाँ पर अब क्या करें हम लोग? 65 वर्ष उम्र हो गई, इसी रूम में जो है टीम वाला जो रूम है इसी में मेरा जन्म हुआ, और लोगों का भी पूर्वज में बच्चे लोगों का जो है जन्म हुआ। तो हम लोग तो दहशत में रहते हैं कब क्या कोई कर दे उल्टा सीधा, ताकि बगल में हम लोग रहते हैं तोड़ फोड़ कर दे, मार जार धार करे, क्या करे नहीं करे कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आप लोग पूजा पाठ करने वाले संत लोग हैं, गुंडे लोगों से कैसे कैसे मुकाबला करेंगे? ये भी बात सही है, और प्रशासन भी देख ही रहे हैं इस बात को कि भाई मंदिर है इंटायर, यहाँ लोग जो है सब पर्सनल अपने ही रिलेशन में है, और रिलेशन वाले जो है इसको जो है बेचना चाह रहे हैं मंदिर को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विश्वेश्वर। आप यहाँ कब से हैं बताया ना कि इसी रूम में मेरा जन्म हुआ, इसी में हम लोग का जन्म, मेरा जन्म हुआ से हाँ वही मेरा जन्म इसी रूम में, और कई बच्चों का भी जो जन्म हुआ इसी में हुआ। पिछले साल से हो रहा है ये दशहरे के समय से, और हमेशा होता रहा है, कभी बाउंड्री के लिए तो कभी हम लोग का दीवार खींच रहे ये है। अब हम लोगों का घर है पुरानी हवेली है, हवेली को तो मंदिर की उसमें पोर्सन में सवाल ही नहीं कि हवेली में कोई बाहर के कितने गुंडे आए, एक बार निकल भी चुका हम लोगों का। कल रात में क्या हुआ था? कल रात में वो सामान गिरवाया ईंट वगैरह वगैरह और सीमेंट बालू वगैरह वही सब दीवार। कितने लोग थे कल? 5-6 लोग थे ना, ज्यादा ही ज्यादा। डर लगता है आप लोग को? डर नहीं लगेगा, डर तो लगता ही हम लोगों को।
अगर कुछ हो जाता है तो? अब कुछ हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। कल आप पुलिस वाले के पास भी गई थी थाने में? मैं गई थी कल, मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा के आई। क्या क्या लगता है थाने वाले क्या कहते हैं? अब उन्होंने रिपोर्ट तो ले ली थी, अब कार्यवाही क्या करेंगे तो अब हम नहीं देते, लेकिन वो कल बालू मिट्टी वगैरह सब डाल के कई लोगों के साथ यहाँ पे पीछे कब्जा करने की कोशिश की, इसी तरह से सामने भी कब्जा कर लिया, जबकि मंदिर का पोर्शन है, मंदिर का है और कोर्ट में केस चल रहा है इसका, तो उसको तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को भी अभी उससे उलझन, कई बार कार्रवाई के लिए आप लोग दौड़ी कई जगह गई, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं। मतलब रात में सोती हैं तो आप लोगों को डर लगता है? डर लगता है वो तो, बट नेचुरल है। किस तरह का डर लगता है? अब कब कौन क्या कहां से क्या कर दे, ये डर लगता है। कल भी लगा ही एकदम, तो कल तो रिपोर्ट लिखवा के आए थे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता गौर जो है, मेरे गौरव कुमार गोस्वामी जो है वो आए यहाँ पे कुछ गुंडे वगैरह को लेके, और वो चाह रहे थे कि मंदिर के जो जमीन उस पर कब्जा कर ले, लेकिन अब मतलब मजदूर वगैरह सबको लेके आए थे पूरे प्रचंड से कि उस पर कब्जा कर ही लेना है। और मेरे पापा वगैरह पुलिस वगैरह को फ़ोन किए, सबको फ़ोन किए, तो 112 नंबर तो आए पर मतलब कुछ कार्रवाई वगैरह नहीं की गई। अब उससे पहले ही बहुत बड़ा ऐसा हुआ है घटना अंदर, यहाँ तक कि मेरे दादी लोग से उन्होंने छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की है मजदूर के गुंडे सबसे, लेकिन पुलिस जो है बार बार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो वैसे इस बार अभी भी हुआ। और अभी ये देख ही रहे गुंडे वगैरह को लेके आए थे, ईंटा वगैरह गिराए वहाँ पे सब, लेकिन आखिर में फिर जब पापा वगैरह पुलिस वगैरह का पूरा फोर्स वगैरह डाला, कहें कि हम लोग को जान से खतरा हो जाएगा, तब जाके जो है वो लोग को जाना पड़ा। मतलब पुलिस वाले के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं। रात में फिर पुलिस वाले आए तो ये लोग अपना सामान छोड़ के भाग गए। हाँ, पुलिस वाले आए तभी लोग गए, लेकिन और पुलिस वाले मतलब कि हमेशा आते तो लोग भाग जाते हैं, फिर वो लोग दोबारा आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, अरेस्ट वगैरह करना चाहिए कुछ नहीं हो रहा है। जब मन तब आते हैं, जब मन हम लोग को धमकी देंगे जान माल का चल जाता। क्या नाम हुआ आपका? गिरीश गोस्वामी।